खाने के लिए आ जाए। तो ये जो है ये चिकन इंटरनेट। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम लोग फिर से न्यू ब्लॉग के लिए आज बनाने के लिए निकल चुके हैं। और ये जो ब्लॉग है ये एक्सप्लोरिंग से रिलेटेड नहीं है, ये मेरा डेली ब्लॉग होगा। और मैं आज क्या करने वाला हूँ वो आप लोगों को ये ब्लॉग में दिखेगा जरूर से। और यहाँ आज हम लोग मेनली टॉपिक आज होगा कि खाने का ऊपर। तो क्या चीज है खाने का ऊपर ये राहुल बताएंगे। हाँ तो गाइस राहुल से मिल लीजिए। राहुल आ जाओ। आज हम लोग खाना खाएंगे क्योंकि बहुत जगह जगह से जाके खाना लेके आए, जहाँ पे जो फेमस था वहाँ वहाँ से उठा के लेके आए। छः पाँच छः तरह का खाना है और तब से वही वीडियो का वेट कर रहेगा। अब वीडियो खत्म होकर खाएंगे हम लोग, आपको भी दिखाएंगे खाना क्या क्या है खाने में। बहुत ही लजेदार, देखने में तो बहुत लजेदार लग रहा है, टेस्टी लग रहा है, खा के पता चलेगा कैसा है। सुने तो बहुत फेमस है। हाँ तो आप लोगों को भी एक्सपीरियंस पता चलेगा। हम लोग जैसे जैसे खाएंगे तो आप लोगों को दिख जाएगा कि खाना कैसा है। बहुत ही मेहनत से खोज के हम लोग लाए मशहूर चीज़। अब टेस्ट का ऊपर डिपेंड है कैसा लगता है, हम लोग खा के तो आप लोगों को बता ही देंगे। तो आज का ब्लॉग जो है काफ़ी टेस्टी बनेगा, तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ तो गाइस खाना जो हम लोग का आज लंच यहीं पर हो रहा है, राहुल के घर में हो रहा है। तो हम लोग ये सजा चुके हैं, हमारा खाना दिखा देता हूँ मैं एक बार आप लोगों को। ये हमारा खाना है एकदम लजीज, मज़ा आ जाएगा। हम लोग जगह जगह घूम के सबसे मशहूर चीज़ जो था वो चॉइस करके यहाँ पर लाए हम लोग। तो आज हम लोग और जो राहुल है वो टेबल लेके आ रहा है ताकि हाइट में खाना को रख सके, ताकि कैमरा में आपको दिखे। उदय कुछ बोलना है आज का मजा है। आज मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आज मैं सिर्फ ये खाऊंगा गाइस। हम लोग देख रहे हो ना, ये सिर्फ खाने के लिए आ जाए है, ये खाने के लिए ही सिर्फ आ जाए, कुछ ये ब्लॉगिंग के लिए नहीं आया है। जबकि मैं सही बोल रहा हूँ, आज मैं सिर्फ खाने आया हूँ आज। बट कोई नहीं, चलता है इतना। और राहुल अभी टेबल लाएंगे तो हम लोग खाना स्टार्ट करेंगे। हाँ तो गाइस हमारा खाना आधा दिख रहा होगा, टेबल ही ऐसा लाया राहुल कि क्या है बताओ, पूरा खाना ही नहीं दिख रहा है कैमरा। बट कोई नहीं, जब हम लोग एक एक पीस करके खाएंगे तो आप लोगों को दिखाएंगे कि क्या खा रहे हैं, उसका नाम भी बताएंगे। उदय क्या बोलना है बोलो। मैं तो सिर्फ खाने आया हूँ, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, सिर्फ खाऊंगा। राहुल अभी लंच टाइम चल रहा है, हम लोग काफी घूमे इसके वजह से, सुबह से घूम रहे हैं कि कहाँ कहाँ कुछ अच्छा मिल जाए उसके लिए यहाँ पर। अभी फिलहाल हम लोग खाते हैं, बकवास बाद में करेंगे। हाँ तो क्या खाना है राहुल, पहले क्या खाना है, इतना सारा आइटम्स में एक आइटम चुन लो। इंटरनेट पहले, चिकन इंटरनेट खाते ये है, ये नहीं, ये है चिकन इंटरनेट, ये कटलेट। पहले फैसला कर लो नाम कौन सा क्या है। मैं बताता हूँ, ये चिकन इंटरनेट, ये हो गया चिकन 65, ये चिकन कटलेट, ये चिकन सैंडविच, ये चिकन इंटरनेट। हाँ ये चिकन इंटरनेट। नाइस, तो ये जो है ये चिकन इंटरनेट, इसे क्यों नाम दिया है ये अभी तक मुझे नहीं पता चला है। बट लग तो नहीं रहा है कुछ 5G कनेक्शन आएगा इसमें से, बट देखते हैं अगर खाते टाइम शायद कनेक्शन आ जाए 5G। उदय पहला पीस खा के एक बार इंटरनेट कैसा है ये बताओ। चिकन का स्वाद आ रहा है, बहुत ही बढ़िया है। चिकन ही है ना, चिकन इंटरनेट, चिकन इंटरनेट इसका नाम था। और इसको शुरुआत में चिकन का ही स्वाद आया, इंटरनेट का तो कोई सीन ही नहीं लग रहा है। हाँ इंटरनेट क्यों कहा जाता है कुछ पता चला। 5G सिर्फ चिकन है इसमें, 5G टेस्ट कैसा लगा। टेस्ट बढ़िया। हाँ तो टेस्ट बढ़िया लगा है, चलिए कोई बात नहीं। अब राहुल खा के देखेगा राहुल को कैसा लगा टेस्ट। ये जो राहुल है वो टीचर टीचिंग करता है उत्तरायण में, इसको तो जानते होंगे, तो राहुल का नॉलेज ज्यादा है, तो ये अच्छा से रिव्यू देगा। हाँ राहुल कैसा था कैमरा में। ठंडा हो गया, घूम घूम के इतना देर से हमने घूम रहे थे खाना लेके, खाना ठंडा हो गया लेकिन फिर भी अच्छा लग रहा है, गर्म खाने से और ज्यादा अच्छा लगेगा। तो गाइस देखिए आप लोगों के लिए ठंडा खाना हम लोग खा रहे हैं, इतना टेस्टी खाना है, बट हम लोग ठंडा खा रहे हैं क्योंकि हमें प्रॉपर एक ब्लॉग बनाना था खाने के बारे में। तो टेस्ट कैसा लगा, अच्छा लगा, चिकन का स्वाद आ रहा है। बस तो टीचिंग ने कर दिया, अब मैं एक बार ट्राई करके देखता हूँ। अच्छा है, काफी अच्छा लगा मुझे भी। इंटरनेट बस नाम के लिए शायद दे दिया होगा, ताकि अच्छा ना, कोई ऐसे अच्छा नाम के लिए रखा होगा इंटरनेट, वैसा इंटरनेट का तो कुछ नहीं, खाली चिकन का स्वाद आ रहा है बस। तो नेक्स्ट आइटम हम लोग का है चिकन कटलेट। चिकन कटलेट का एक बार व्यू दिखाता हूँ मैं।
ये देखिए गाइस, इसे चिकन कटलेट, ये जो उदय है वो यहाँ पर सॉस लगा दिया हुआ है, तो ताकि टेस्टी लगे। चिकन कटलेट है ये पूरा तरह से, इसको खाते हैं उसके बाद टेस्ट का आप लोग को बताएंगे। उदय टाइट, और जनता जवाब चाहती है कि कैसा है टेस्ट। इसमें चिकन तो नहीं लेकिन सब्जी का स्वाद आ रहा है, बस नाम चिकन कटलेट है। अच्छा उदय ने कहा ये, तो मैं भी एक बार ट्राई करूंगा उसके बाद में। चिकन का हल्का फुल्का स्वाद आ रहा है ऐसा बात नहीं, फुल्का ज्यादा नहीं, लेकिन अंदर जो सब्जी दिया हुआ है इसके वजह से चिकन का जो ज्यादा स्वाद नहीं आ रहा है। इसे चिकन कटलेट क्यों कहते हैं आई डोंट नो, बट जो भी है अच्छा टेस्टी है। चिकन काट दिया ना इसलिए चिकन कटलेट, चिकन कम दिया कटलेट। राहुल क्या बोलना चाह रहे हो इसके बारे में बता दो, जनता जवाब चाहती है। चिकन कटलेट इसलिए है क्योंकि चिकन कम दिया है शायद इसलिए। घर लेके जाओ, सही बात बोल रहे, जो बच जाएगा वो घर लेके जाओ, वहाँ फील लेके खाना। ऐसे ही ठंडा होगा, घर जाते जाते बर्फ हो जाएगा, ऐसे ही ठंडा का मौसम है। एकदम सही पॉइंट वाला बात क्या है, ताव में गर्म कर देना। नहीं फिर इसका नेचुरल टेस्ट है। हाँ तो गाइस अब नेक्स्ट आइटम है ये वेजिटेबल पिज्जा, इसे कहते हैं। देखिए गाइस क्या ही बेहतरीन, हाथों से बनाया होगा वो तो खाने का बाद ही जादू इसका पता चलेगा कि कैसा टेस्ट है। तो देखने में कितना सुंदर लग रहा है, जैसे कि मुंह में पानी, अभी दोनों ये उदय और जो रायल दोनों का मुंह में पानी आ गया होगा इसको देख के, इतना सुंदर और टेस्टी है। आप लोगों को भी आ गया होगा, कोई बात नहीं होता है, अब खाना के बारे देख रहे तो आएगा ही, कोई बात नहीं। अब हम लोग ये खाने का ट्राई करते हैं। कैसा लग रहा है? टेस्ट तो बढ़िया है। हाँ। ब्रेड है, हाँ। वेजिटेबल्स है, हाँ। और मैंने एक्स्ट्रा सॉस डाल दिया और चीज एडेड है। टेस्ट सही है। टेस्ट काफी अच्छा लगा है उदय को। राहुल क्या रिव्यू देना चाहेंगे? बाकी दो से अच्छा नहीं है, वो दो ज्यादा अच्छा था, इससे ज्यादा अच्छा था अच्छा। बाकी दो जो अभी तक खा चुके। ठीक है तो मैं भी एक बार ट्राई करता हूँ। ऐसा बात नहीं है, भेज है बोल के राहुल को अच्छा नहीं लगा, लेकिन मुझको तो बहुत ही प्यारा लगा यार, टेस्टी भी लग रहा है, पता नहीं क्यों। वो दोनों भी अच्छा था, ये भी अच्छा है। राहुल को चिकन शायद नॉन वेज ज़्यादा पसंद है इसलिए उसे ये अच्छा नहीं लगा, बट कोई नहीं, मुझे तो प्यारा लगा, टेस्टी भी है, काफ़ी मज़ा भी आया। जितना देखने में अच्छा लगा वैसे मुझको भी टेस्ट भी आ रहा है। बेहतरीन, लाजवाब, क्या बात कर रहे हैं, मज़ा आ गया। हाँ तो हम लोग का नेक्स्ट आइटम है ओलिव चिकन। ओलिव चिकन इसे क्यों कहते हैं वो तो नहीं मालूम, बट ओलिव में चिकन या चिकन में ओलिव, ये तो खाने का बाद ही पता चलेगा। इसके अंदर मुझको जो है कच्चा केला, उसको छोटा छोटा पीस दिख रहा है, अब पता नहीं टेस्ट कैसा आता है, उसके बाद ही खा के हम लोग आपको रिव्यू देंगे। राहुल ट्राई करो, मुझे बनाना पसंद नहीं है, राहुल ट्राई करो। तो उदय ने साफ मना कर दिया खाने से, ये पता नहीं क्यों। और तो राहुल खा के एक बार टेस्ट का बताएंगे। क्या रिव्यू देना चाहोगे इसको? अच्छा है बस, ये इससे पहले जो खाया भेज जो भी था, हाँ। उससे ये बहुत अच्छा है। अच्छा तो वेजिटेबल पिज्जा था उससे अच्छा लगा ये राहुल को, देखो मैं ट्राई करके देखता हूँ। अच्छा है, काफी अच्छा लगा मुझको, इसके अंदर जो फ्लेवर थे बहुत सारे, क्या क्या डाले हुए, उसका जो है स्वाद सीधा मुंह में मेल्ट हो जाता है, उससे काफ़ी अच्छा लग रहा है। वेजिटेबल पिज्जा से ये मुझको भी अच्छा लगा, तो मज़ा आ गया खा के। कड़क माल है, एक वर्ड बोलूँगा कड़क।
हाँ तो गाइस अब लोग हम लोग का नेक्स्ट आइटम खाने जो जा रहे हैं वो है चिकन 65 रोल। ये देख सकते हैं ये सबका फेवरेट होता है, हम लोग ये इसको पहले खा चुके हैं, जितना भी खाए सब फर्स्ट टाइम खा रहे थे, लेकिन ये जो है काफ़ी बार खा चुके हैं, काफ़ी हमारा फेवरेट है। तो उदय का तो काफ़ी ज़्यादा फेवरेट है, उदय क्यों फेवरेट है बता दो। गाइस इसका बारे में तो ज़्यादा कुछ बोलना नहीं है, ये तो सबका फेवरेट है, आप लोग का भी फेवरेट ही होगा। और अभी तक मेरे को ये समझ में नहीं आया कि इसका नाम चिकन 65 क्यों है, इसका प्राइस तो 40 है लेकिन हम लोग तब से खा रहे हैं जब इसका प्राइस 25 था, तो इसके बारे में और ज्यादा कुछ नहीं बोलना है। ये जो 65 नाम क्यों रखा है, इसका रेस दाम है सिर्फ 40 रेस, बट इसको चिकन 65 कहा जाता है। आई डोंट नो जो भी है, बट खा के अब इसका भी रिव्यू दे देंगे खाते हैं उसके बाद। जितना भी आइटम खाए हम लोग उनसे बेहतर है, उनसे कैसा है उसके बारे में बताओ। हाँ सबसे बेस्ट तो यही लगा, सबसे बेस्ट क्योंकि इसमें चिकन है इसलिए पहले ही रख दिया था लास्ट में खाने के लिए हम लोग ने सबको ये सबसे बेस्ट है बोल के हम लोग इसे सबसे लास्ट में खा रहे हैं। राहुल क्या बताना है इसके बारे में कुछ, इसके बारे में क्या बताओ, ये मेरा फेवरेट है, मतलब जब स्कूल में था क्लास 7-8 से मैं खाता हूँ। अच्छा 7-8 से ये खा रहा है, तो कम से कितने साल हो गया, 8-9 साल 10 साल से खा रहा है राहुल, और ये अभी तक यही खा रहा है, मतलब क्या अभी है अभी खा रहा है मतलब रोज जाके एक एक खा रहा है, रोज जाके दो दो खा लेता है। घर का खाना कम खाता है, लेकिन वहाँ उत्तरायण में जब टीचिंग कराने जाता है तो उसी का साइड में मियो मोर है, तो वहाँ ढुक के ये चिकन 65 रोल भी खा लेता है। गाइस देखिए ये खाने के बाद, अगर इसके खाने के बाद अगर और भी कुछ आप खाते है तो उसके बाद जो डकार आएगा उसमें इसी का टेस्ट आएगा, दूसरा चीज का नहीं आता है। ये बात तो सही है। हाँ तो सुन लिया आप लोगों ने रिव्यू, मैं भी एक बार बता देता हूँ खा के। इसके बारे में जितना भी तारीफ करूँ कम है, तो बस एक वर्ड बोलूंगा क्या ही कहूँ एक वर्ड नहीं फेवरेट वर्ड है इसका से, मतलब कि अच्छा नहीं लगा, किसको क्या अच्छा नहीं लगा पूछ लेता। उदय क्या बताना चाहूंगा, क्या अच्छा लगा क्या अच्छा नहीं लगा। सबसे अच्छा तो चिकन 65 लगा, वो तो सबको अच्छा ही लगता है, और बाकी सब भी अच्छा था, अच्छा ही था, लेकिन 65 ज्यादा स्पेशल था। ओके तो राहुल क्या खराब लगा, सब में तो खराब नहीं, मतलब कौन सा, मतलब सबसे कम टेस्टी लगा, सबसे कम वही जो भेज था वेजिटेबल पिज्जा जो था वो सबसे, मतलब नॉन टेस्टी लगा है राहुल। रीजन ये है कि उसमें चिकन नहीं था बस क्योंकि वो भेज था बोल के ठंडा हो गया था, इसके वजह से हो सकता है सब। हाँ गरम गरम खाते तो वो तो टेस्ट आएगा ही, और दूसरा रीजन ये है कि ठंडा फर्स्ट रीजन था, दूसरा रीजन ये है कि उसमें चिकन नहीं था, ये लोग नॉन वेज पार्टी है, दोनों का दोनों नॉन वेज मिले तो बस उसमें वो कूद जाए टूट पड़ो तो गाइस और बस आप लोगों ने देखा है कितना क्या क्या हम लोग खाए, आज का ब्लॉग था ये। अगर सपोर्ट मिला तो फ्यूचर में और टेस्टी टेस्टी खाना भी ऐसा तरह का ब्लॉग बीच बीच में हम लोग बनाते रहेंगे, और एक्सप्लोरिंग का ब्लॉग नेक्स्ट वीक में हम लोग फिर से लाएंगे और डालेंगे भी, मिलते हैं और देखते हैं क्या होता है यहाँ पर। हाँ तो गाइस हम लोग ने अपना खाना पीना हो गया, पेट फुल हो चुका है, और अब एनर्जी आ चुका है, एक अलग ही एनर्जी है शरीर में। उदय के पास ज़्यादा एनर्जी है, वो काफ़ी भूखा था सुबह से, जो हम लोग ये खाने का ब्लॉग हम रात में ही बोल चुके थे सभी को, तो उदय जो आज सुबह से कुछ नहीं खाया कि नहीं खाया कि ब्लॉग में खाने तो मिलेगा बोल के, अब बताओ गाइस। इसलिए उदय जो अभी पूरा एनर्जी में फुल पेट भर चुका, आप क्या बोलना चाहोगे। अब गाइस अभी जो हम लोग यहाँ पे खड़ा है, ये राहुल का बिल्डिंग के ऊपर खड़ा है, और यहाँ से दिखा देता हूँ मैं आपको, यहाँ से 360 व्यू दे दूंगा। पहले तो आपको डार्लिंग मोड दिखा देता हूँ, आपको शायद ये लैंप पोस्ट दिख रहा होगा, ये वाला इसका नीचे डार्लिंग मोड है, ये डार्लिंग का गेटवे है, और यहाँ से एक 360 व्यू दे देता हूँ आपको। राहुल ये ओनर, घर का ओनर ये
हाँ तो गाइस आज का ब्लॉग आप लोगों ने देख लिया, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ब्लॉग था, आप लोगों को दिखाई होगा। बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, छोटा सा सिंपल सा ब्लॉग। तो लाइक जरूर कीजिए और कमेंट में बताइए, अगर कुछ आपको अच्छा ना लगे तो कमेंट जरूर करें, और अच्छा लगे क्या अच्छा लगा वो भी जरूर बताइए। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और जो मेरा टीम है, दो पार्टनर जो है वो भी आएंगे, आ जाओ उदय एंड राहुल। तो गाइस एज यूजुअल इसलिए बोलता हूँ, थोड़ा पहले बोलने से पहले प्रैक्टिस कर लो यार, ये लोग ऐसे करता है, कोई बात नहीं, सेकंड टेक करते हैं। मैंने सही बोला, ईट रिपीट एंड सेकंड टेक। हाँ ये गलत बोला, एज यूजुअल ईट स्लीप एंड रिपीट बस। टू आवर्स लेटर एज यूजुअल ईट स्लीप एंड रिपीट। तो गाइस साइनिंग आउट।